अपनी मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मार्केट में इतने टाइप के मटेरियल्स एंड वैरायटीज अवेलेबल हैं कि आप अपनी मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए कोई ना कोई गलत मटेरियल जरूर चूज कर लेंगे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा एंड वेलकम टू वॉइड डिजाइन स्टूडियो। तो आज हम इस वीडियो में मॉड्यूलर किचन के बारे में समझेंगे एंड वी विल कवर नंबर वन मटेरियल्स, कि कौन से मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, किन मटेरियल्स को हमें किचन में लगाना है और किन मटेरियल से हमें बिल्कुल दूर रहना है। सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर, कि किस टाइप के हार्डवेयर किचन को लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे, एंड ऑल्सो वील टॉक अबाउट फ्यू ब्रांड्स जिनके हार्डवेयर हमें लेने चाहिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे फिनिशेस के बारे में, जैसे जब फाइनल किचन का लुक दिखता है वो कौन से फिनिशिंग मटेरियल हैं जिससे आपकी किचन ब्यूटीफुल दिखेगी येट ड्यूरेबल रहेगी। और लास्ट में हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन मॉड्यूलर किचन एंड कारपेंट्री किचन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल्स। इसमें हम बात करते हैं कोर मटेरियल के बारे में जिससे हम कारकेस बनाते हैं। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कैबिनेट्स बनेंगी ना, उसका पहले बॉक्स बनता है जिसको कारकेस बोलते हैं, फिर कब्जों की हेल्प से पल्लों को लगाया जाता है और उस पर फिनिशिंग मटेरियल लगाते हैं जो आपको बाहर से दिखता है। तो अभी के लिए फिनिशिंग मटेरियल को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचा एक बॉक्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किचन की पूरी स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है। अगर हमने इसमें पैसे बचाने के लिए कोई सस्ता मटेरियल लगा दिया ना, तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे, या तो कभी ना कभी इसमें दीमक लग जाएगी या ये मॉइस्चर से फूल जाएगा। नाउ लेट्स सी अब हम कौन सा मटेरियल इसमें यूज कर सकते हैं ताकि सालों साल तक किचन ऐसी ही रहे। तो मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे प्लाईवुड, MDF बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, HDHMR, पर हम हर किसी से ये नहीं बना सकते। तो हमारे मटेरियल में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिनके बेसिस पर हम अपना मटेरियल चूज करेंगे। तो अब उसके ऊपर बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा मटेरियल या तो मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो या मॉइस्चर प्रूफ हो। तो अब रेजिस्टेंट और प्रूफ से क्या मतलब है? मॉइस्चर रेजिस्टेंट वो मटेरियल होता है कि अगर उस पर हम थोड़ी सी पानी की छींटे डालेंगे तो उस मटेरियल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मटेरियल मॉइस्चर को रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन मॉइस्चर प्रूफ वो मटेरियल है कि अगर हम उस मटेरियल को पानी में डुबाकर भी रखेंगे ना, तो भी उस मटेरियल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जो मटेरियल हमें हमारा किचन में लगाना है वो मटेरियल मॉइस्चर रेजिस्टेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर मॉइस्चर प्रूफ हो तो और बेटर है। ऐसी ही दूसरी क्वालिटी है टर्माइट रेजिस्टेंट या टर्माइट प्रूफ। वही बात है, टर्माइट रेजिस्टेंट है तो वो एक हद तक टर्माइट को रोक देगा, लेकिन अगर टर्माइट प्रूफ है तो दीमक का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो अगर आपके घर में दीमक नहीं है तब भी आपको टर्माइट रेजिस्टेंट तो लगाना ही है, लेकिन अगर आपके घर में दीमक की ज़्यादा परेशानी है तो गो फॉर टर्माइट प्रूफ। तीसरे नंबर पर आता है स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मटेरियल डेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होगी तो कुछ टाइम में ही आपके पल्ले लटक जाएंगे और उनको रिपेयर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो सबसे पहला मटेरियल है जैसे हमारे पास प्लाईवुड, और ये प्लाईवुड बहुत पुराना मटेरियल है, सालों साल से चला आ रहा है। इनफैक्ट आपके घर में ज़्यादातर फर्नीचर आपका प्लाईवुड से बना होगा, लेकिन प्लाईवुड में भी ना तीन ग्रेड आते हैं, एक MR, एक BWR, एक BWP। MR इज मॉइस्चर रेजिस्टेंट, BWR इज बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट एंड BWP इज बॉइलिंग वाटर प्रूफ। तो मॉइस्चर रेजिस्टेंट आपका नॉर्मल पानी से रेजिस्ट करेगा, लेकिन बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस ऐसा ग्रेड है कि अगर उसमें खौलता हुआ पानी भी गिर गया ना, तब भी उस प्लाई का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और बॉइलिंग वाटर प्रूफ, अगर उबलते हुए पानी में भी प्लाई को रखा ना, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड आप BWR या BWP प्लाई पे जाएं, इसमें भी 710 ग्रेड का प्लाई लेना है। ये प्लाई आपका टर्माइट प्रूफ भी होता है और इसकी डेंसिटी भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो प्लाईवुड एक बहुत अच्छा मटेरियल है एंड आपके किचन को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी ग्रेड की प्लाई यूज करनी है। फिर दूसरा आता है हमारा HDHMR। HDHMR की फुल फॉर्म ही है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। तो ये मटेरियल हाई डेंसिटी हो गया, हमें चाहिए कि स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो। मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो गया, हमें ये भी चाहिए अपने मटेरियल में। और ये मटेरियल टर्माइट प्रूफ भी होता है, तो तीनों क्वालिटीज को ये भी पार करता है, इसलिए HDHMR इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। लेकिन हमें कहाँ पे प्लाईवुड यूज करना है, कहाँ पे HDHMR यूज करना है, ज्यादा पता चलेगा जब हम फिनिशिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे।
अब जो ये MDF बोर्ड है ये मीडियम डेंसिटी बोर्ड है, तो नेम से भी हमें पता चल रहा है कि ये मीडियम डेंसिटी है, मतलब इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी पुअर है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं लगाना। और ये पार्टिकल बोर्ड जैसे मटेरियल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए किचन में, ना तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, ना ये टोमाइट रेजिस्टेंट होते हैं, प्लस इनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी पुअर। तो हमारे पास दो ही मटेरियल बचे हैं यूज़ करने के लिए अपने किचन के कोर में, दैट इज़ प्लाईवुड BWR या BWP 710 ग्रेड का, या फिर HDHMR भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला मार्केट में अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, तो किचन में अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्डवेयर ही है। तो किचन जब आप देखेंगे उसमें दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, एक शटर में एंड एक पुल आउट यानी कि ड्रॉर्स। तो शटर में तो हिंजेस लगते हैं, एंड ये शटर यूजुअली या तो अपर कैबिनेट्स में यूज़ होते हैं या फिर कॉर्नर्स में यूज़ होते हैं। तो हिंजेस हमेशा सॉफ्ट क्लोज ही लेने चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी तेज़ मारो ये लास्ट में जाके आराम से ही बंद होते हैं। तो इससे एक तो आपका सर दर्द कम होगा, आपको ठक ठक की आवाज़ नहीं आएगी, और दूसरा ऑटोमेटिकली आपकी किचन की लाइफ बढ़ जाएगी। अब इसमें अगर आप अपर कैबिनेट के लिए हिंजेस ले रहे हैं तो गो फॉर 90 डिग्री हिंज, एंड अगर आप कॉर्नर वाला देख रहे हैं चाहे वो अपर हो या लोअर हो, लेकिन कॉर्नर में हमेशा 165 डिग्री का हिंज ही लगाना चाहिए, ताकि हम स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएं। एंड हिंजेस भी अच्छे ब्रांड्स के लो, ताकि प्रॉपर वारंटी मिले। अच्छी ब्रांड्स आराम से 5 से 10 साल की वारंटी दे देते हैं, तो इसमें आपके पैसे सही जगह लगेंगे। ऐसे ही अगर हम ड्रॉर्स की बात करें तो उसमें भी दो टाइप के चैनल्स आते हैं। एक टेलीस्कोपिक चैनल होता है जो ऐसे साइड से दिखता है, इसमें रेगुलर क्लोज और सॉफ्ट क्लोज दोनों आता है। इसमें भी आई वुड रिकमेंड गो फॉर सॉफ्ट क्लोज, क्योंकि उससे आपकी किचन की लाइफ बढ़ जाती है। और दूसरा जो इसका चैनल आता है वो क्वाड रेल आता है, ये बॉटम में लगता है, एंड दिस लुक्स मच क्लीनर एंड प्रीमियम, और ये सॉफ्ट क्लोज में ही आता है, तो ये टेलीस्कोपिक से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट बेटर दिखता है। इसमें भी कुछ ब्रांड्स हैं आप जिसके हार्डवेयर ले सकते हैं, जैसे एप्को, ओजोन, ब्लम, हैफले, हेटिक, गोदरेज। अब अगर हम ड्रॉर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि कितने वेराइटी की ड्रॉर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मेजरली दो हैं, एक तो SS में आती है जो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, ये वायर वाली या मेश वाली। दूसरे आते हैं टैंडम ड्रॉर्स, ये अभी कुछ टाइम से काफ़ी फेमस हुए हैं फॉर देयर क्लीन एंड लग्जरी फील। टैंडम थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर होता है एज कम्पेयर टू SS, बट आई प्रेफर टैंडम ही लगाओ अगर आपके बजट में है, क्योंकि ये एक तो हैवी वेट आराम से कैटर कर लेता है, ठीक है, इजी टू मेंटेन होता है। इसमें वी कैन ऐड ऑर्गेनाइजर्स जिसको निकाल कर अलग से आराम से साफ कर सकते हैं। और यही अगर SS में देखें तो इतनी वायर्स एंड मेश को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लस हमें ड्रॉर को पूरा ही निकालना पड़ता है फ्रंट शटर के साथ और फिर वॉश करना पड़ता है। ऑल्सो दी स्टैंडम ड्रॉर्स आर कस्टम मेड एज पर योर साइज रिक्वायरमेंट, पर SS वाले स्टैंडर्ड साइज में ही आते हैं। सो टैंडम दो इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट। अगर आपके बजट में पूरा किचन टैंडम में बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप दोनों का मिक्स भी यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आप टैंडम ड्रॉर्स लगा सकते हैं, कहीं पर SS दे सकते हैं, या कहीं पर सिंपली शटर्स दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द कोर मटीरियल एंड हार्डवेयर ऑफ द किचन। हम इसके फिनिशिंग मटीरियल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और हम उसमें ये भी देखेंगे कि एक मॉड्यूलर किचन और एक कारपेंट्री किचन में क्या डिफरेंस है, और हमें किस सर्कमस्टांस में किसको प्रेफर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्द ही चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।